सुप्रभात छात्रों, तो कल की तासिका में हमने जिस पाठ की शुरुआत की थी वो है और प्रेमचंद जी चले गए, जिसके लेखक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इस पाठ की जब हमने शुरुआत की थी तो हमने शुरुआत में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का परिचय देखा हुआ है, उसके बाद उनकी जो प्रमुख कृतियां है उसके ऊपर हमने चर्चा की थी, और उसके बाद इस पाठ में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जिसका उल्लेख यहाँ पर किया हुआ है, कौन और प्रेमचंद जी के बारे में जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने बताया है ये हमने गद्य संबंधी के संबंध में देखा हुआ है। तो आज हम और प्रेमचंद जी चले गए इस पाठ की शुरुआत करने वाले हैं, तथा इसके पहले मैं शुरुआत में जो पैराग्राफ है पहला वो इसका प्रकट वचन करती हूँ, और सभी को इसके ऊपर ध्यान देना है, और आपके पास जो किताब है वो किताब निकाल कर आपको ये जो लाइन है जो पंक्तियां है उनके ऊपर आपको ध्यान देना है। देखो शुरुआत में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी क्या कहते हैं उनके बारे में वो यहाँ पर बता रहे हैं पहले पैराग्राफ में। बचपन से ही रेलवे स्टेशन पर जाना मुझे अच्छा लगता है। बात सन 1935 की है। मैं शाम के समय टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर चला गया, तभी मैंने देखा कि तीसरे दर्जे के डिब्बे से एक सज्जन उतर रहे हैं और अपना बिस्तर स्वयं अपने बगल में दबाए प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे हैं। पास आने पर देखा कि वृद्ध सज्जन और कोई नहीं हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानी और उपन्यास लेखक प्रेमचंद जी है। मैं आगे बढ़कर बोल उठा, बाबूजी आप? उन्होंने जोर से ठहाका लगाया और कहा, हाँ मैं। उनके अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा। मैंने पूछा, कहाँ जाइएगा? उत्तर मिला, जहाँ तुम हो लेकर जाओ वहां। मैंने कहा, मेरे घर चलिए। उन्होंने उत्तर दिया, चलो। और बिना किसी तकलीफ कि वे मेरे साथ पैदल मेरे घर चले आए। इतने बड़े साहित्यकार, वे इतने सरल और सौम्य हैं कि अपने जीवन की सुविधा के लिए कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते थे। उनका अट्टहास इतना आकाशव्यापी है कि वातावरण का सारा विषाद उसमें धुल जाता है। तो यहाँ पर ये जो पहला पैराग्राफ है, ये पहला पैराग्राफ यहाँ पर पूरा हो गया है। अभी इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी अपने बारे में यहाँ पर बताते हैं कि बचपन से ही उन्हें स्टेशन पर जाना अच्छा लगता है। बचपन से रेलवे स्टेशन पर जाना उन्हें अच्छा लगता है। शौक होता है ना हर किसी का घूमने के लिए। सुबह सुबह हर लोग कहीं पर अपने अपने पसंद के स्थान पर वो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो रामकुमार वर्मा जी है वो उन्हें एक शौक है जो कि बचपन से शौक है उन्हें कि रेलवे स्टेशन पर जाना उन्हें अच्छा लगता है। और ये बात है सन 1935 की। देखो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को बचपन से ही रेलवे स्टेशन पर जाना अच्छा लगता है, और बात कब की है, सन 1935 की है कि उन्हें बचपन से ही कहां पर जाना अच्छा लगता है, रेलवे स्टेशन पर जाना अच्छा लगता है। मैं शाम के समय टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर चला गया। अभी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी उन्होंने अपने नाम के ऊपर मैं इस सर्वनाम का उल्लेख किया हुआ है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने अपने बारे में यहाँ पर मैं इस सर्वनाम का उल्लेख किया हुआ है, तो वो कहते हैं कि मैं शाम के समय टहलने के लिए, देखो अभी घूमने के लिए हम सुबह जाते हैं या फिर कुछ लोग शाम को जाते हैं, बराबर है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी शाम के समय वो घूमने के लिए, टहलना यानी घूमना, टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर चला गया। तो प्रयाग, यहाँ पर प्रयाग स्टेशन, प्रयाग इस शब्द का उल्लेख किया हुआ है। तो प्रयाग ये गांव कौन सा है मालूम है आपको? नहीं, तो आपने इलाहाबाद ये नाम सुना है। हाँ, तो इलाहाबाद इस गांव का नाम पहले प्रयाग था जो कि आज बदलकर इलाहाबाद हो गया। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को घूमने का शौक था और वो शाम के समय टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर चले गए। तभी मैंने देखा कि तीसरे दर्जे से, तभी उन्होंने क्या देखा है कि रेलवे का जो तीसरा दर्जा है, तीसरा डिब्बा, तो उस तीसरे दर्जे के डिब्बे से एक सज्जन उतरकर
उतर रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी, वृद्ध आदमी तीसरे दर्जे के डब्बे से वो उतर रहा है और अपना बिस्तर, अपना जो बिस्तर सामान है वो क्या कर रहा है, अपना बिस्तर स्वयं वो उठाकर अपनी बगल में दबाए वो प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। एक वृद्ध आदमी, उन्होंने अपना बिस्तर, अपना सामान खुद ही उठाया है, स्वयं उठाया है और अपने बगल में लेकर वो प्लेटफॉर्म पर, उस रेलवे स्टेशन पर चल रहे, प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे है। पास आके देखा और मैं उस वृद्ध आदमी के, उस इंसान के मैं पास गया, उस सज्जन के मैं पास गया और देखा कि वो वृद्ध सज्जन और कहीं नहीं है बल्कि सुप्रसिद्ध कहानीकार, कथाकार, उपन्यासकार प्रेमचंद जी है। मैं आगे बढ़कर बोल उठा, अभी मैं उनके सामने गया, उनके आगे गया, मैंने तो उन्हें पहचान लिया है। और मैं जब उनके आगे गया, उनके सामने गया, तो मैंने कहा, बाबूजी आप, मैं शक हो गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया और मैंने झट से उन्हें पूछा कि बाबूजी आप यहाँ पर किस लिए? और उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। देखो, ठहाका लगाया, ठहाका लगाने में जोर से हंसना, जोर की हंसी, उसे कहते हैं ठहाका लगाना। ठहाका लगाना उसका अर्थ है जोर की हंसी, जोर से हंसना, जोर से हंसना। तो जब मैंने पूछा कि बाबूजी आप, तो उन्होंने जोर का ठहाका लगाया और कहा कि हाँ मैं। क्या कहा उन्होंने? कि हाँ मैं। और उनके अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा और उनका जो अट्टहास है, देखो अभी ये जो पाठ है, इस पाठ में ऐसे तीन चार शब्द है जिसका अर्थ एक ही होता है, जिसमें ठहाका लगाना यानी कि जोर से हंसना, उसके बाद जो शब्द आया हुआ है अट्टहास, अट्टहास, अट्ट हंस यानी जोर से हंसना, जोर की हंसी। देखो दोनों शब्द है, शब्द अलग अलग है बल्कि उसका जो अर्थ है वो अर्थ यहाँ पर एक ही है। तो उन्होंने जो ठहाका लगाया, वो जो जोर से हंसे, तो उनकी जो हंसी है, उन हंसी से, उन अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा, सारे स्टेशन में उनकी हंसी चारों ओर घूम रही थी। मैंने पूछा कहाँ जाइएगा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने उनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है आपको? तो उत्तर आया, जहाँ तुम लेकर चले जाओ, जहाँ तुम कहो, जहाँ तुम मुझे कहोगे वहां पर मैं चला जाऊंगा। तभी डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि मेरे घर चलिए। उन्होंने क्या कहा कि आप मेरे घर चलिए, उन्होंने उत्तर दिया चलो। वो मान गए झट से कि तुम जहां पर लेकर जाओगे मुझे वहां पर मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी उनसे कहे थे कि मेरे घर चलो, तो झट से उनके घर चले जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने उत्तर दिया चलो और बिना किसी तकल्लुफ वे मेरे साथ पैदल मेरे घर चले आए। देखो वो भी बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी तकल्लुफ, शिष्टाचार, घमंड होता है ना, बड़ा आदमी, बहुत सारा, इतना बड़ा आदमी, साहित्यकार, कथाकार, हमारे हीरो, उन्हें तो गाड़ियां चाहिए, ऐसी बड़ी बड़ी चाहिए या नहीं, फोर व्हीलर चाहिए लेने के लिए। तो ये तो बहुत बड़े आदमी है, साहित्यकार है और उन्हें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं है, किसी प्रकार का शिष्टाचार नहीं है। और उन्होंने झट से उत्तर दिया है लेखक को, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को, कि चलो मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। और बिना किसी शिष्टाचार के, बिना किसी घमंड के, वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के साथ उनके घर पैदल चले गए। उन्हें गाड़ी नहीं चाहिए थी, उन्होंने कहा नहीं है कि चलो जाओ मुझे लेने के लिए, मुझे तुम्हारे घर लेकर जाना है तुम्हें, तो गाड़ी लेकर आओ, ऐसे नहीं कहा है उन्होंने। तो वो बिना किसी घमंड के उनके साथ घर जाने के लिए चले गए, पैदल चले गए। वो इतने बड़े साहित्यकार, वे इतने सरल और सौम्य हैं
कि अपने जीवन की सुविधा के लिए कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते थे। वो इतने बड़े साहित्यकार है और अपनी सुविधा के लिए इतने सरल और इतने सौम्य है कि अपनी जो जीवन की सुविधा है उन जीवन की सुविधा के लिए वो कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते थे। कोई गाड़ी कार नहीं चाहते थे वो लाने के लिए, या फिर अपनी सुविधा के लिए कोई ऐशोआराम नहीं चाहते थे। उनका अट्टहास इतना आकाशव्यापी है कि वातावरण का सारा विषाद उसमें घुल जाता है, और उनकी जो हंसी है अट्टहास वो इतनी आकाशव्यापी, आकाशव्यापी, आकाश कितना बड़ा है मालूम है आपको, उतनी उनकी हंसी है। और उस हंसी से, उनकी हंसी से जो कि वातावरण है आकाशव्यापी, अट्टहास इतना आकाशव्यापी है कि वातावरण का सारा विषाद, वातावरण का जो सारा दुख है विषाद, विषाद का अर्थ क्या होता है, दुख, विषाद, देखो विषाद यानी दुख, विषाद, वातावरण का पूरा दुख इस आकाश में, आकाशव्यापी वातावरण में मिट जाता था, धूल जाना यानी मिट जाना। तो यहाँ पर हमारा पहला पैराग्राफ पूरा हो गया है, और इसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ हम आगे की तासिका में देखने वाले हैं। थैंक यू।